जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें पॉलिटेक्निक करना है या बीटेक करना है। एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, जो आप यहां पर टेबल देख रहे हैं इसके माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम बीटेक करें या फिर पॉलिटेक्निक करें। एक एक पॉइंट मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है, फिर चाहे आप किसी भी ब्रांच से बीटेक करना चाह रहे हैं या आप पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको पॉलिटेक्निक करना चाहिए या बीटेक करना चाहिए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आप टेबल यहां पर देख रहे हैं, तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा, जो कि एक ही बात है, और यहां पर लिखा हुआ है मैंने बीटेक। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कोर्स ड्यूरेशन की, कि कोर्स ड्यूरेशन क्या है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा की, तो ये आपका कितने साल का होता है भाई, आपका 2 ईयर का भी होता है और आपका 3 ईयर का भी होता है। ये 2 ईयर का किसके लिए होता है, जो बच्चे अपना 12th जो है PCM से किया हुआ है, या जो बच्चे ITI कंप्लीट करते हैं तो उनको लेटरल एंट्री मिल जाती है, तो उनके लिए कितने साल का होता है पॉलिटेक्निक, 2 साल का होता है। और जो बच्चे 10th से अपना पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो उनके लिए जो पॉलिटेक्निक होता है वो कितने का होता है भाई, आपका 3 ईयर का होता है। बिल्कुल क्लियर है आपको। अब यहां पर बात करते हैं आगे, बीटेक जो होता है आपका वो 3 साल और 4 साल यहां पर मैंने लिखा हुआ है। तो 3 ईयर का जो बीटेक होता है वो उनके लिए होता है जो बच्चे पॉलिटेक्निक अपना कंप्लीट कर लेते हैं या अपना BSc कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनके लिए जो आपका बीटेक होगा वो कितने साल का होगा भाई, आपका 3 ईयर का होगा। और जो बच्चे अपना 12th के बाद बीटेक करते हैं तो उनके लिए कितना होगा भाई, आपका 4 ईयर का। तो मैक्सिमम जो लोग करते हैं वो कितने किसके बाद करते हैं भाई, 12th के बाद ही अपना बीटेक करते हैं, तो जो कितने साल का होगा भाई, आपका 4 ईयर का होगा। क्लियर है आपको। अब इसके बाद में बात करते हैं इसके लिए ट्रेड, यानी कि कौन कौन सी इनमें ब्रांचेस होती हैं। तो ब्रांच लगभग इनमें सभी में सेम होती हैं, बीटेक में और पॉलिटेक्निक में। यानी कि पॉलिटेक्निक आप किस किस से कर सकते हो भाई, मैकेनिकल से कर सकते हो, सिविल से कर सकते हो, CS से कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल से, IT से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो इन सबसे आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। और यही सब ब्रांचेस होती हैं किसमें भी, आपका बीटेक में, बीटेक में। और अब बहुत सारी ब्रांचेस ऐड कर दी गई हैं, जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, एरोनॉटिकल है, जो कि इसमें पॉलिटेक्निक में नहीं है। तो यदि आप इन ब्रांचेस से बीटेक करना चाहते हैं तो आप बीटेक कर सकते हैं, ये ब्रांचेस आपको पॉलिटेक्निक में नहीं मिलेंगी। यानी कि जो कॉमन ब्रांचेस हैं वो मैंने यहां पर लिखी हुई हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है तो वहां से आप बीटेक कर सकते हो उस ब्रांच से। आप जो आपका एरोनॉटिकल से है वहां से बीटेक आप कर सकते हो, एरोनॉटिकल ब्रांच से आप बीटेक कर सकते हैं। तो यानी कि काफी सारी ब्रांचेस ऐसी हैं जो पॉलिटेक्निक में आपकी नहीं है। तो ये ब्रांचेस क्या है भाई, कॉमन है। अब इसके आगे बात करते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यदि हम बात करें तो पॉलिटेक्निक आपने क्या हो, पॉलिटेक्निक के भी लिए भी आपने 10th किया हुआ हो, यानी कि पॉलिटेक्निक आपने 10th किया हुआ हो और 10th में आपके मैथ भी होना कंपलसरी है। यानी कि यदि आपको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना है तो उसके लिए आपने अपना 10th पास किया हुआ हो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और उसमें आपके पास मैथ होना अनिवार्य है। दूसरा है, यदि आपको लेटरल एंट्री चाहिए, डायरेक्ट आपको सेकंड ईयर में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए आपने 12th अपना पास किया हुआ हो और उसमें आपके पास PCM होना चाहिए, या फिर आपने ITI किया हुआ हो, तो आपको क्या मिल जाती है, लेटरल एंट्री मिल जाती है, यानी कि 1 साल की छूट आपको मिल जाती है। अब इससे आगे यदि हम इधर बात करते हैं बीटेक में, तो बीटेक के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो उसमें आपने अपना 12th किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किया हुआ हो और उसमें साथ के साथ आपके पास में 12th में PCM होना अनिवार्य है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इसके बाद में फिर आपके पास 2 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि 12th में हमारे पास कितने होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं जो कंपलसरी होते हैं। तो 5 सब्जेक्ट में आपके 3 जो सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बाकी जो 2 सब्जेक्ट हैं वो कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास हो सकते हैं 12th में। तो ये हो गया इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यदि आपको लेटरल एंट्री चाहिए तो लेटरल एंट्री बीटेक में किससे मिलती है भाई, आपने पॉलिटेक्निक यदि अपना कंप्लीट कर रखा है तो फिर आपके लिए बीटेक 3 साल का होगा, आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो ये होता है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर बच्चों का एक कन्फ्यूजन और रहता है, एक कन्फ्यूजन ये रहता है कि सर मैंने बीटेक अपना जो पॉलिटेक्निक अपना मैंने मैकेनिकल से किया है तो क्या मैं बीटेक सिविल से कर सकता हूँ, CS से कर सकता हूँ, यानी कि ब्रांच में क्या अपनी चेंज कर सकता हूँ। जैसे या बच्चे ने पॉलिटेक्निक अपना IT से किया है और वो बीटेक CS से करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने जिस ब्रांच से पॉलिटेक्निक किया है उसी ब्रांच से आपको बीटेक करना होगा। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में क्या है, अलाउ किया जाता है कि आप
पॉलिटेक्निक आपने किसी भी ब्रांच से किया है और आप बीटेक किसी भी ब्रांच से कर सकते हैं। एक दो यूनिवर्सिटीज हैं जो इसको अलाउ नहीं करती हैं। क्लियर है आपको? चलिए आगे बात करते हैं इसके लिए फीस की। तो साथ ही यदि हम फीस की बात करें पॉलिटेक्निक के लिए, तो ये डिपेंड करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर कि आप किस तरह के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। यदि हम एवरेज फीस की बात करें तो जो इसकी एवरेज फीस है अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी की, तो पॉलिटेक्निक की जो फीस है वो लगभग 50,000 रुपए के आसपास होती है। यानी कि ये एवरेज फीस है, इससे कम भी हो सकती है और इससे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। तो यानी कि यदि किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो वहां पर जो फीस है आपकी 50,000 से 60,000 रुपए की रेंज में रहती है। अब यदि हम बात करते हैं बीटेक की कि बीटेक में कितनी फीस रहती है, तो बीटेक में भी यदि हम एवरेज फीस की बात करें, जो एवरेज फीस है अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी की, वो आपकी 1 लाख से लेकर और 2 लाख के बीच में रहती है। यदि अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी की हम बात करें, जो बिल्कुल थर्ड क्लास है उसमें आपका 50,000 में भी बीटेक हो जाता है, आपका 70,000-80,000 में भी हो जाता है। लेकिन अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की यदि हम फीस की बात करें तो वो आपकी जो एवरेज फीस है 1 लाख से 2 लाख के बीच में रहती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इससे आगे बात करते हैं कोर्स आफ्टर बीटेक। कोर्स आफ्टर बीटेक यानी कि बीटेक करने के बाद में हम और क्या, सॉरी कि हम कोर्स आफ्टर यानी कि पॉलिटेक्निक के बाद हम क्या कर सकते हैं और बीटेक के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो साथियों यदि आपने पॉलिटेक्निक किया है तो पॉलिटेक्निक के बाद आप क्या कर सकते हैं भाई, बीटेक कर सकते हैं अपना। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 साल की आपको लेटरल एंट्री मिल जाएगी। यदि आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया तो आप क्या कर सकते हैं भाई, बीटेक कर सकते हैं, जो नॉर्मली बच्चे करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है यदि आपने बीटेक किया है तो फिर आप क्या कर सकते हैं भाई, बीटेक करने के बाद अपना एमटेक कर सकते हैं यानी कि मास्टर डिग्री ले सकते हैं टेक्निकल में। और आप क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, आप जो भी ग्रेजुएशन के बाद में जो कोर्स आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे आपका एलएलबी कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, तो ये आप कोर्सेज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहां पर भाई पॉलिटेक्निक आपको करना चाहिए या फिर बीटेक करना चाहिए। तो साथियों मैं आपको बता दूं ये क्या है भाई, आपका डिप्लोमा कोर्स है। यानी कि जब आप पॉलिटेक्निक अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ग्रेजुएट नहीं होंगे। याद रखिएगा, यदि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करना है जो कि ग्रेजुएशन लेवल से है, तो आप डिप्लोमा वाले बच्चे उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा ग्रेजुएशन की डिग्री में नहीं आता है। पहला ड्रॉबैक पॉलिटेक्निक करने का। दूसरा है जो बीटेक है भाई, आपका बीटेक क्या है, आपका ग्रेजुएट कोर्स है यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ये आपका 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है। इसको करने के बाद में जितने भी आपके गवर्नमेंट जॉब फॉर्म निकलते हैं ग्रेजुएशन लेवल से, वो सब आप भर सकते हैं, वो सब आप फिल कर सकते हैं। यानी कि बीटेक करने के बाद आप क्या हो जाते हैं भाई, आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो साथियों यदि अब हम बात करें कि या आप 12th के बाद में बीटेक करना चाहते हैं या पॉलिटेक्निक में हम ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हम चूज करें, तो उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिर आप यदि आपने 12th अपना पीसीएम से किया है तो फिर आप अपना बीटेक कीजिए। क्यों कीजिए, उसके दो रीजन है। सबसे पहला मैंने आपको बता दिया कि आप क्या नहीं होंगे भाई, ग्रेजुएट नहीं होंगे, यानी कि गवर्नमेंट के फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आप उन्हीं फॉर्म को भर पाएंगे जो स्पेशली पॉलिटेक्निक के लिए आते हैं। क्लियर है आपको? तो पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि यदि आपको अच्छे लेवल पे जाना है तो तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिटेक्निक के बाद में बीटेक करना पड़ेगा, तब भी आपको फिर वहीं आना पड़ेगा। क्योंकि पॉलिटेक्निक क्या होता है, जूनियर इंजीनियर होता है। पॉलिटेक्निक के बाद में जो हमें जॉब मिलती है वो किसकी मिलती है, जूनियर इंजीनियर की। और यदि आपको प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हायर डिग्री करनी पड़ेगी, आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। तो पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर बीटेक करना पड़ेगा। क्लियर है आपको? तो अब बात करें जॉब वैकेंसीज की। यहां पर भी जॉब आपको पॉलिटेक्निक में ज्यादा मिलती है या फिर आपको बीटेक में ज्यादा मिलती है। तो साथियों जो जॉब होती हैं वो आपका डिपेंड करता है आपके ऊपर। जॉब की कमी ना तो बीटेक में है ना आपका पॉलिटेक्निक में है, वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी नॉलेज है, आपने किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपना बीटेक या पॉलिटेक्निक किया है। हाँ ये जरूर है कि पॉलिटेक्निक के लिए जो वैकेंसीज हैं, जो वैकेंसी की हम प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो वैकेंसीज की कमी नहीं है। क्यों? प्राइवेट में आपका जो मैंने बताया आपको पॉलिटेक्निक करने के बाद में, डिप्लोमा करने के बाद में जो हमें वैकेंसी मिलती है वो मिलती जूनियर इंजीनियर की। तो जूनियर इंजीनियर की संख्या जो होती है वो होती है ज्यादा, और बीटेक करने के बाद में जो वैकेंसीज आती हैं वो होगी आपका अपर जूनियर। तो अपर के लिए आपकी जो है कहीं ना कहीं वैकेंसी थोड़ी सी कम होती हैं। तो वैकेंसीज ऐसा नहीं है पॉलिटेक्निक में आपकी वैकेंसीज कम है, पॉलिटेक्निक में वैकेंसीज बहुत है, कमी नहीं है। बस मैंने आपको जो बताया उस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप इसमें ग्रेजुएट नहीं माने जाते हैं। यदि आप अपना पॉलिटेक्निक कर लेते हैं और कहीं ग्रेजुएशन के बेस पर जॉब वैकेंसीज निकलती हैं तो वो आप फिल नहीं कर सकते हैं, वहां
वहां पर आप उन वैकेंसीज को फिल नहीं कर सकते हैं, ये आपके लिए ड्रॉबैक है। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई हमें पॉलिटेक्निक करना चाहिए या हमें बीटेक करना चाहिए। अब इसमें बच्चे कहते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है, तो सैलरी नॉर्मल सी बात है कि पॉलिटेक्निक में जो सैलरी है वो आपको कहीं ना कहीं कम रहती है बीटेक से, क्योंकि बीटेक क्या है, इसकी अपर डिग्री है। और ये डिपेंड भी करता है कि आप किस पोजीशन पे हैं, आपकी जो ज्वाइनिंग है किस तरीके से हो रही है। यदि हम स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में पॉलिटेक्निक की जो मिनिमम सैलरी है वो आपका 15,000 रुपए से लेकर और 30,000, 40,000, 50,000 रुपए तक रहती है, जो मिनिमम आपकी सैलरी है। और यदि हम बीटेक की बात करें तो बीटेक में डिपेंड करता है आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी पर, तो आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो आपका 20-25-30,000 रुपए से लेकर और आपकी 1,00,000 रुपए पर मंथ तक भी रहती है, यानी कि बीटेक में भी काफी अच्छी सैलरी है। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है कि आपको बीटेक करना चाहिए या पॉलिटेक्निक करना चाहिए, बीटेक करने के क्या फायदे हैं और पॉलिटेक्निक करने के क्या एडवांटेज हैं। तो यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है या आपको इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए मैंने एक लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सक्षम स्कॉलरशिप का, जो कि हर साल हजारों लाखों बच्चे उसका फायदा उठाते हैं। ये जो स्कॉलरशिप दी जाती है सक्षम एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से दी जाती है, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो ये जो स्कॉलरशिप मिलती है ये जो मेघावी छात्र छात्राएं हैं उनको दी जाती है। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या इस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।